हिमाचल प्रदेश में कोरोना महामारी का दौर खत्म ही नहीं हुआ कि अब प्रदेश भर में ब्लैक फंगस ने दस्तक दे दी। सरकार और प्रशासन की चिंता बढ़ती गई है। कोरोना महामारी के साथ साथ लोग अब ब्लैक फंगस से भी डरने लगे हैं। हिमाचल प्रदेश में ब्लैक फंगस का छठा मामला सामने आया और मरीज कांगड़ा के टाणा मेडिकल कॉलेज के कोविड वार्ड में उपचाराधीन है। दरअसल जिले में ब्लैक फंगस का यह तीसरा मामला है और तीनों टांडा में ही उपचाराधीन है। तीन मरीज IGMC शिमला में भर्ती है। ब्लैक फंगस का तीसरा मामला आने के बाद टांडा में उसकी भी सर्जरी कर इन्फेक्शन वाले हिस्से को निकाल दिया गया। सभी मरीजों की हालत स्थिर है और उनका उपचार किया जा रहा है। साथ ही CMO कांगड़ा डॉक्टर गुरदर्शन गुप्ता ने मामले की पुष्टि की और जिला कांगड़ा में ब्लैक फंगस से निपटने के लिए विभाग के पास पर्याप्त दवाइयां हैं। साथ ही बता दें कोरोना महामारी की तरह ब्लैक फंगस ने भी लोगों को परेशान कर दिया। ब्लैक फंगस को लेकर कई तरह के लक्षणों के बारे में बताया जा रहा है। ब्लैक फंगस आंखों के साथ साथ दांतों पर भी अटैक करता है। फिलहाल कांगड़ा में मिले ब्लैक फंगस के मरीजों का उपचार जारी है।